वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अक्टूबर 2018 और 28 अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये नाम आपका सुना हुआ है, महिंद्रा राजपक्षे, क्योंकि ये श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है इनका? महिंद्रा राजपक्षे। आप इमेज में देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं यही है महिंद्रा राजपक्षे और ये अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो राइट हैंड साइड में खड़े हैं ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम क्या है? मैत्रीपाला सिरिसेना। इन्होंने ही अभी हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। अब महिंद्रा राजपक्षे बने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। तो आप मैप में देखिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये दो कैपिटल है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री तो यही बने हैं महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला सिरिसेना। अच्छा, महिंद्रा राजपक्षे से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे रनिल विक्रम सिंघे और इन्हीं के स्थान पर अब नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में असमा जहांगीर ने मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थी असमा जहांगीरी और इन्होंने अभी हाल ही में मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। ये पाकिस्तान की एक वकील थी और साथ में ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थी। अभी इनको मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार मिला है और ये अवार्ड इनको कब दिया जाएगा? मानवाधिकार दिवस पर दिया जाएगा। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में सौरभ कोठारी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है सौरभ कोठारी और इन्होंने ही अभी हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, इस टाइप का गेम आपने बॉलीवुड की मूवीज में बहुत ज्यादा देखा होगा। एक टेबल होती है, उसमें बॉल्स पड़ी होती हैं और इस स्टिक से उन बॉल्स को मारा जाता है, तो इस गेम्स को कहते हैं बिलियर्ड्स। तो इसी में अभी हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है सौरभ कोठारी ने। अच्छा, किसको हराकर जीती है? तो सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर सौरभ कोठारी ने ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन विमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन विमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है मेनका गांधी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारी प्रेजेंट टाइम पे महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी और इन्होंने ही इंडियन विमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अब ये इंडियन विमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल है क्या? तो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये एक इंडियन विमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल है और इसके 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है मेनका गांधी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 22वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने म्यांमार के साथ
22वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बैठक में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इस बैठक में हमारे केंद्र सरकार के सचिव राजीव गौबा ने पार्टिसिपेट किया है, और ये इंडिया और म्यांमार के बीच 22वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। अब म्यांमार के साथ है, तो कल ही मैंने आपको म्यांमार के बारे में बताया है। फिर से आप मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है वर्मिस क्याट, और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विन मिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GIFF के दूसरे संस्करण की शुरुआत कहां हुई है? तो अभी हाल ही में GIFF के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई है गुवाहाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में GIFF को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसके दूसरे संस्करण की शुरुआत कहां पे हुई है? गुवाहाटी में। इसमें 50 कंट्रीज की 100 से अधिक फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई है। तो एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और दूसरी इसकी शुरुआत कहां हुई है? गुवाहाटी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WETEX 2018 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में WETEX का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है दुबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में जरूर आया होगा कि ये WETEX क्या है, क्योंकि इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। WETEX की फुल फॉर्म होती है वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन। तो ये एक एग्जीबिशन है वाटर एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर, और इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने QS एशिया रैंकिंग 2019 में अपनी रैंकिंग को दुगुना किया है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने QS एशिया रैंकिंग 2019 में अपनी रैंकिंग को डबल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसमें जो QS लिखा है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। QS की फुल फॉर्म होती है क्वाक्वेली साइमंड्स। तो क्वाक्वेली साइमंड्स एशिया रैंकिंग 2019 में भारत ने अपनी रैंकिंग को डबल किया है। IIT बॉम्बे इस लिस्ट में 33वें नंबर पर आया, IIT दिल्ली इसमें 40वें नंबर पर आया, IIT मद्रास 48वें नंबर पर आया, और IISc बेंगलोर 50वें नंबर पर आया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रैंकिंग है इंडिया की, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में रूपम शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है रूपम शर्मा, और इन्होंने ही अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप पुरस्कार जीता है। अच्छा, इन्होंने किसके लिए जीता है? तो इनका एक इन्वेंशन है दृष्टिहीन लोगों के लिए, मनोव्यू। इन्वेंशन का नाम है मनोव्यू, और उसी की वजह से इन्हें विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हर साल 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अब यहाँ पे बात आ गई इंपोर्टेंट डे की, तो अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, और अभी तक जितने भी अक्टूबर में इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया है, ये जितने भी इंपोर्टेंट डे अभी तक अक्टूबर में मनाए गए हैं आप सारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको लिखने की हैबिट डेवलप करनी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो चीजें आपको याद नहीं होंगी। मुझे याद है, मैं हर बार बताता रहूंगा तो मेरा रिवीजन होता रहेगा, लेकिन जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होंगी। इसलिए वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी जापान में 13वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ मीटिंग करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो अबे की 12वीं बैठक है और 5वीं वार्षिक शिखर बैठक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मोदी जी गए हैं जापान, तो वैसे तो मैंने आपको जापान के बारे में कई बार बताया है, लेकिन जापान का नाम आया है तो आप फिर से मैप में देखिए, ये है जापान।
जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। आई होप ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, लेकिन कितने भी अच्छे से ये चीजें आपको याद हो जाएं, फिर भी आपको रिवीजन करना है। जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है, तब तक आपको रिवीजन करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में M.S. स्वामीनाथन को प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है M.S. स्वामीनाथन, और इन्हीं को अभी हाल ही में पहला विश्व कृषि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, M.S. स्वामीनाथन सुनकर आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये माइंड में आ जाना चाहिए। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, M.S. स्वामीनाथन को। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई वोरलॉग को। तो दोनों नाम आप याद रखिए, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई वोरलॉग, और इंडिया में हरित क्रांति के जनक हैं M.S. स्वामीनाथन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पशु संजीवनी सेवा की शुरुआत कहां हुई है, तो ये शुरुआत हुई हरियाणा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि कुंभ 2018 का उद्घाटन किसने किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली रिप्लाई करता हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई कर पाऊं, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।